नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार। बालाघाट, बालाघाट जिले की तहसील केनापुर के ग्राम सारद और आसपास के सैकड़ों किसानों ने रबी फसल के लिए पर्याप्त बिजली नहीं मिलने को लेकर कांग्रेस नेता शेषराम रहंगडाले के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया है कि बिजली विभाग द्वारा किसानों को 6 और रात में 4 घंटे बिजली दी जा रही है। इससे भी हर आधे घंटे बाद कटौती की जाती है। मार्च 2022 से जून 2022 तक किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराई जाए। जिला बालाघाट बताएंगे क्या स्थिति है अभी रबी में लाइट पानी सर। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है सर कि सर हमारी जो लाइट कटौती हुई है सर, ये फरवरी महीने में हुई है सर। और हम सर किसान है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं सर। हमारे यहाँ सर रबी लगी है सर ये 12 महीने में जनवरी महीने में। उस समय सर 24 घंटा लाइट थी सर। सर हमने सर 24 घंटे की लाइट के हिसाब से सर अपने खेतों में रबी लगाए सर। और आज लाइट सर 8 घंटे हो गई है, पर 8 घंटे में भी सर वो लाइट हमको 4 घंटे में दी जा रही है। अभी हमको सर महाघर मिल जाए और यदि 2 महीने अगर लाइट सही नहीं मिलती तो सर बहुत नुकसान होगा ना सर। हम तो सर मर जाएंगे सर किसान। हम लोग 1 एकड़ के पीछे 25-30 हज़ार रुपए लगा के लिए। आपने जितनी अभी मेहनत लगी है वो भी आपकी डूब जाएगी। डूब जाएगी सर। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से मांग है सर कि हमको कम से कम 2 महीने के लिए सर पर्याप्त बिजली दी जाए। क्या नाम है आपका? मनोज गोंडाने सर। और पहले दिसंबर जनवरी तक पूरे बालाघाट जिले में 24 घंटे बिजली दी जाती थी। किसानों ने 24 घंटे बिजली मिलती थी, इस हिसाब से हमने रबी फसल की तैयारी की, क्योंकि रबी फसल जनवरी के लास्ट या फरवरी के फर्स्ट हफ्ते में लगाई जाती है। जब फसल लग गई थी इन्होंने 12 घंटे किए, 12 घंटे के बाद इन्हें फिर 8 घंटे किए। और जो 8 घंटे बिजली है, 8 घंटे में भी कटौती करके 2-3-4 घंटे मिलती थी, कभी बिजली रहती नहीं। तो यहाँ नहीं, पूरे बालाघाट और सारद के जो किसान है, सैकड़ों किसान, ऐसी बालाघाट जिले की सभी किसानों की समस्या है। तो हम कलेक्टर बालाघाट से खबर समय जगत के लिए संजय अजीत की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।